Like a Hellcat. Hi guys, boys and girls. आज का जो वर्कआउट वही है, हम सीरीज बना रहे थे बिगिनर के ऊपर, जिम स्टार्ट कैसे, इम्प्रूवमेंट कैसे करें. आज है, आज वेट हम इम्प्रूव करेंगे, कुछ टेक्निक चेंज करेंगे, कुछ एक्सरसाइज ऐड करेंगे. ओके, उसमें क्या करना है, पहले हम 5 मिनट वार्म अप करेंगे, अच्छे से वार्म कर लेंगे बॉडी को कि ईजिली हमारी हमें कोई इंजरी ना आए. फर्स्ट जो एक्सरसाइज हमने लास्ट में पुशअप दिखाए थे, मैंने नॉर्मल जमीन पर हाथ रख के या मैट पर हाथ रख के पुशअप दिखाए थे. आज का जो मैंने लास्ट में बोला था पुशअप बोर्ड भी आता है, ये होता है पुशअप बोर्ड, इस पर आप एक्सरसाइज करो, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा. ठीक है, इसकी एक्सरसाइज मैं पोजीशन दिखाना चाहता हूँ. 2 फुट का एरिया है, उसकी पोजीशन भी हमने वर्कआउट करना है. इसमें मैंने ग्रिप इसमें पूरे हाथ पकड़ लिए अच्छे से सामने से. ठीक है, बिल्कुल सामने देखना है हमने. डाउन, 1 2 3 4 5. ठीक है, गर्ल्स करेगी, अगर स्ट्रेट मार ले तो वेल गुड है, ना मार पाए तो पोस्ट फॉर्मूला, पैर फोर्ड, बॉडी को आगे रखना है. डाउन, 1 2 3. ओके, इसमें बेनिफिट क्या है पुशअप बोर्ड का, जब ग्रिप पकड़ोगे ना पूरा सिर्फ मसल पे आएगा और कहीं पे भी नहीं आएगा. ठीक है, इसके हमने 4 सेट लगाने हैं टोटल 15-15 रेपिटेशन के. ठीक है, इसमें रेपिटेशन हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे कि हम पुशअप ज़्यादा बढ़ पाएँ, टोटल 60 पुशअप हो जाएंगे. गर्ल्स लगाइए, पैर फोल्ड करके लगाती है, 20-20 के 4 सेट लगाएंगे. ये हमारी एक एक्सरसाइज हुई, अब सेकेंड पे चलते हैं. अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. लास्ट टाइम जब हमने एक्सरसाइज शुरू करी थी, जब बेंच पे डे 1 पे शुरू करा था, हमने खाली रोड करी थी 25 रेपिटेशन. आज इसमें मैंने 2-2 3-3 किलो की वेट इंक्रीज़ किया, तो टोटल 6 किलो इंक्रीज़ हो गया वेट. आज हमने रैप हम 15 रखेंगे. ओके, सेम फॉर्मूला, मुट्ठी बंद, अप डाउन, टच पे टच करना है. 1 2 3 4 5. जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे, हमने इजीली नॉर्मल टच किया, अप कर लिया, कितना आप स्लो मारोगे, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ना, ब्रेन अपना ये चीज़ पूरा उसके ढाल दो, कोई भी वर्कआउट करो उसके ऊपर फोकस डाल दो कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ पे असर आ रहा है. ठीक है, इसके हमने 4 सेट लगाने हैं, 15 रेपिटेशन, क्योंकि हमने वेट इंक्रीज कर लिया. ठीक है, 2 एक्सरसाइज हो गए, थर्ड पे चलते हैं. करिए मैंने जो मिक्स वर्कआउट में हम कर रहे हैं बिगिनर के ऊपर, अब इंक्लाइंड प्रेस रोड हम ऐड करेंगे. अब इसमें फॉर्मूला वही रखेंगे जैसे हम डे 1 पे रखा था बेंच प्रेस का, खाली रोड, इसमें भी खाली रोड, हमें बैलेंस बनाना है. ओके, ग्रिप वही रहेगी, बार से हमने पकड़ना है इसको. इसकी जो पोजीशन आएगी वो आएगी अपर पे, इंक्लाइंड की जो पोजीशन होती है. ओके, हमने वहाँ टच करना है. 1 2 स्लो 3 4 5. इसका मेन जो असर आएगा वो इस मसल के लिए होता है, इंक्लाइंड मसल, इसे कहते हैं. जितना आप स्लो मारोगे, इसमें रेपिटेशन वही रखेंगे 4 सेट 25 रेपिटेशन के. ओके, जैसे हम डे बढ़ाएंगे, हम वेट भी इंक्रीज करेंगे, वो आगे फ्यूचर में दिखाऊंगा. इसमें क्या रहा है, जितना आप स्लो मारो, ये पूरा मैंने हर एक वीडियो में बताऊंगा, उस पर लगा दो कि कौन सी आप वर्कआउट कर रहे हो. ठीक है, गर्ल्स करेगी वही शुरुआत करेगी, वही बारबल जो बाइसेप वाली रोड होती है उससे करेंगे. ओके, ये हमारी 3 एक्सरसाइज हुई. अब हम चलते हैं 4th पे. हम 4th एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वो क्या करेंगे आज, बारबल रोड. ओके, इसकी पोजीशन क्या रहेगी, नॉर्मल जो रोड होगी उसकी वाइड ग्रिप से हमने पकड़ना है, इजीली हमने सामने देखना है. ठीक है, अब इसमें हमने क्या नहीं करना, कभी हमने रिस्ट नहीं मोड़नी, इसमें स्ट्रेट हमने रखना है, हमने ये नहीं करना है, हमने इजीली जितना आप स्लो करोगे उतना बेनिफिट होगा. इसका जो रेपिटेशन रहेंगे वो 25 रहेंगे. 1 2 3 4 का फॉर्मूला वही है, एकदम स्ट्रेट एंड अप, कि इसमें रिस्ट की कोई मूवमेंट नहीं करानी ज़्यादा, नहीं तो यहाँ पे पेन आएगा, मसल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, इसके हमें 4 सेट लगाने हैं टोटल 25 रेपिटेशन के. हमारी 4th एक्सरसाइज होगी. 5th एक्सरसाइज जो लास्ट टाइम हमने शोल्डर डंबल करे थे उसी पे हम ख़त्म करेंगे. पोजीशन आज हमने इसमें क्या करा, हमने वेट इंक्रीज़ किया है. लास्ट टाइम हमने 4 kg का डंबल लिया, आज 5 kg का डंबल है. ओके, ऊपर जाके हमने टच नहीं करना, हल्का सा पास लेके आना, फिर डाउन शोल्डर टच करके 2 3 4 5. ओके, इन सब का फॉर्मूला वही रहेगा, जैसे अब इसके हमने वेट इंक्रीज़ किया, हम इसमें रेपिटेशन थोड़े कम कर देंगे. अब इसमें हम रेपिटेशन लगाएंगे 4 सेट 12 रेपिटेशन के. गर्ल्स करेगी अगर 3 किलो का डंबल लेकर, बेल गुड है, इजीली रिजल्ट अच्छा आएगा, मसल पे इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, ज़्यादा वेट इंक्रीज़ गर्ल्स ना करें.
ओके ये टोटल हमारी आज हमने इसमें इंप्रूवमेंट क्या करी है, हमने बारबेल रोड ऐड करी है मिक्स वर्कआउट में और हमने इंक्लाइन प्रेस रोड ऐड करी है। धीरे धीरे जैसे डे बाई डे बढ़ते जाएंगे हम इसमें वेट और हम रेपुटेशन और टेक्निक और अलग अलग तो मैं बताता जाऊंगा कैसे रखना है, वेट भी इंक्रीज़ करेंगे, हर चीज़ करेंगे। ओके मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट करो कि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच, मैं आपका दोस्त मनीष।